ऑनलाइन सेंटर वेथ वीजी में फिर से आपका स्वागत है न्यू अपडेट के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए रुक करते हैं एक न्यू अपडेट की तरफ। ध्यान दीजिए कैंडिडेट बीएससी बीकॉम दो चीज़ का आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। दो चीज़ का आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि जो आप लोग का पार्ट टू एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट दे दिया गया, यानी पार्ट टू का जो बी ए बी एस सी का जो रिजल्ट है आप लोग को दे दिया गया। बी कॉम का जो रिजल्ट है आप लोग को पहले ही पब्लिश कर दिया गया था। अब बी एस सी का भी रिजल्ट आपको आ चुका है और आ गया आपका बी ए का। जो बी ए का जो रिजल्ट है आप लोग को अभी नहीं दिया गया है। आइए हम लोग बी एस सी का जो आप रिजल्ट है चेक कर लेते हैं। बी कॉम का रिजल्ट हम पहले ही आप लोग को बता दिए थे कि कहाँ से आप लोग को रिजल्ट को चेक करना है। अब आइए बी एस सी के बारे में आपको जानकारी दे दें। पहले आप टाइप करिएगा bkasu.ac.in पर, ठीक है। टाइप करने के बाद नीचे में आइएगा तो आपको इम्पोर्टेड नोटिस दिखेगा। देखिए इम्पोर्टेड जो अनाउंसमेंट है आप लोग का यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ आप लोग का जो रिजल्ट यहाँ शो कर रहा है यहाँ देखिएगा, यहाँ इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। रिजल्ट ऑफ द बैचलर पार्ट टू का रिजल्ट आप लोग को इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ फाइल में दिखेगा। एक मिनट, थोड़ा सर्वर डाउन है, इसको वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ आपको दो चीज़ आपका रिजल्ट दिखेगा, एक है आप लोग का कॉमर्स का और दूसरा है आप लोग का बैचलर डिग्री जो आप लोग का साइंस का जो रिजल्ट पार्ट टू का है आप लोगों को दिया गया है। आइए बैचलर डिग्री साइंस को रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप लोग को जितना कैंडिडेट जो साइंस एग्जाम दिए थे बीएससी का, तो यहाँ आपको बताया गया कि आप जिस कॉलेज में है सेंटर आपका महाराजा कॉलेज और कॉलेज ऑफ द नेम जो कि एचडी जैन कॉलेज है जो अब पटनी जो है, और एग्जामिनेशन आप लोग को 2019 में अक्टूबर में आप ऑफिस 31 मार्च 2019 2020 को रिजल्ट को आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इसको अभी नेट पर डाला हुआ है आपका। और चेक करने का तरीका देखिए, यहाँ आप रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर से अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम, नाम से तो नहीं होगा, आपको दो चीज़ अब ध्यान रखिएगा, या तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नाम से अपना चेक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आप लोग का रजिस्ट्रेशन रोल नंबर दिया गया है, यहाँ रजिस्ट्रेशन है। कोई एक चीज़ आप लोग सर्च मारिएगा तो आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा, फाइंड करिएगा तब आपको चेक हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग अनर्स पेपर का जो आप लोग का मार्क्स को बताया गया है, और यहाँ सब्सिडरी का मार्क्स है, यहाँ कॉम्पोजिशन का जो मार्क्स है जो हिंदी का आपका, यहाँ आप लोग का टोटल मार्क्स दिया गया है। यानी कि आप लोग रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो लड़का प्रमोटेड है तो ये आपको रिजल्ट बता देगा पास है या प्रमोटेड है, यानी कि यहाँ पास है या प्रमोटेड है। जो प्रमोटेड लड़का है वो प्रमोटेड दिखेगा, और यहाँ पास जो लड़का होगा यहाँ पास होगा जी। प्रमोटेड का मतलब आपको एक पर का आपका बैग लगा है, ठीक है, या तो छूट गया या तो आपको एक बैग लगा हुआ है, आप फेल हैं या अब पेपर छूट गया आपका, उस पर प्रमोटेड बोला जाता है। दसवीं कैंडिडेट आप चेक करिएगा जो आप लोग का जो कॉलेज होगा जो ऊपर में दिया गया, जिस कॉलेज से होंगे तो आपको कॉलेज का नाम और सेंटर का नाम आपको दिया गया है, ठीक है। आपने रोल नंबर मारकर अपना सर्च कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त, थैंक्स। पीडीएफ फाइल को हम लिंक में देंगे।